Lord Krishna Naman. Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. My dear student, today we discuss about our new chapter, Combustion. My all dear student, you have learned in your history lesson that discovery of fire just a matter of chance. The fraction produced by rubbing of two stone caused a spark. हमने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा हुआ है कि आग की खोज कैसे हुई थी, सभी जानते हैं। जब हमने दो पत्थरों का फ्रिक्शन कराया, रबिंग किया उन्हें, तो वहाँ पर एक स्पार्क निकला। क्या निकला? स्पार्क यानी चिंगारी। वंस दिस स्पार्क कम इन कॉन्टैक्ट विद ड्राई हस्क ग्रेन एंड लीव्स फायर स्प्रीड। और जब ये जो स्पार्क है, जब ड्राई हस्क या ग्रेन या लीव्स के कॉन्टैक्ट में आया, तो यहाँ पर आग फैल गई। फायर कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू लाइटिंग। फायर से क्या क्या कॉज होते हैं? लाइटिंग, एक्सेसिव हीट ऑफ द सन और एनी अदर सच सोर्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो इससे क्या क्या होता है? लाइटिंग होती है, एक्सेसिव हीट यानी बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, द सन यानी कि जो सूर्य है, और एनी अदर सोर्स हैं लाइट या हीट के दूसरे सोर्स भी हैं, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर भी लाइटिंग देखने को मिलती है। फायर हैज द एबिलिटी टू बर्न थिंग्स। आग में ऐसी एबिलिटी होती है जो वस्तुओं को जला सकती है। व्हेन अ सब्सटेंस बर्न, जब कोई सब्सटेंस जलता है, इट केमिकली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो यह कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, एंड गिव आउट हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट देता है। दिस इज कॉल्ड कंबसेशन, इसे हम कंबसेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब ये व्हेन अ सब्सटेंस बर्न, जब कोई सब्सटेंस जलता है, इट केमिकली कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एंड गिव आउट हीट एंड लाइट, और ये हीट और लाइट देता है। डियर स्टूडेंट, कोई भी सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड कंबसेशन, इसे हम कंबसेशन कहते हैं। कंबसेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, गिविंग आउट हीट एंड लाइट, और क्या देता है? हीट और लाइट देता है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए मतलब नेसेसरी है। तो यहाँ पे देखो, एक फ्लेम दिया गया है, इसमें डायग्राम में देखो ऑक्सीजन भी है और कम्बस्टिबल सब्सटेंस भी है, यानी कि जलने वाला सब्सटेंस। आप क्या जला रहे हो? ठीक है, तो वो आपका कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। और इग्निशियस टेम्परेचर कौन सा? कम से कम टेम्परेचर जो है, इग्निशियस टेम्परेचर क्या है? जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जल जाए। ठीक है, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसेशन की अगर हम बात करें, तो देयर आर सर्टेन कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसेशन विच आर एज फॉलो। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि पहले नंबर पर हमें चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसे आपको जलाना है। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको? प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबसन, यानी कि जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अटेनमेंट ऑफ इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, हमें यहाँ पर कम से कम इग्निशियस टेम्परेचर चाहिए, इसे जलाने के लिए कम से कम टेम्परेचर चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि जब हम आग जलाने बैठ जाए, कहाँ पर? हिमालय की टॉप रीजन पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आग जलाने बैठ जाओ, क्या लगता है, आसानी से आग जलेगी? नहीं जलेगी, बिकॉज इग्निशियस टेम्परेचर इज टू लो। वहां पर इग्निशियस टेम्परेचर बहुत कम है, आग देर में लगेगी। और वहीं पर मेरे प्यारे विद्यार्थी, अफ्रीका के उस तिलतिलाती धूप में, जहां बहुत तेज गर्मी है, आग लगाओ, तुरंत आग पकड़ेगा, क्योंकि वहां का इग्निशियस टेम्परेचर बहुत हाई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्टिविटी फर्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक्टिविटी जरूर करें। एक्टिविटी करने से हमारा साइंस का नॉलेज बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली एक्टिविटी क्या है? कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, माचिस स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास। Try to burn these material one by one under the supervision of some adult. Record your observation in a table. I think, I hope you can do this activity. प्यारे विद्यार्थियों,
आप ये एक्टिविटी करिए और जल्दी से आप चाहें तो हमें एक छोटा सा वीडियो बना के भी भेज सकते हैं जिसमें आप ये सारा का सारा मटेरियल रखें और हमें दिखाएं। और नहीं तो आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप ऐसे ही बताओ कि क्या क्या मटेरियल जलेगा। केरोसिन ऑयल जल जाएगा, पेपर जल जाएगा, आयरन नेल जलेगा नहीं जलेगा, स्टोन पीस जलेगा नहीं जलेगा, ग्लास जलेगा नहीं जलेगा। तो आप यहाँ पे बनाओ लिस्ट, कम्बस्टिबल यानी जलने वाले और नॉन कम्बस्टिबल नहीं जलने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स।